रेड के लिए गए हैं रबर सिंह, जोरदार ताली होनी चाहिए इसके आड़े के लिए। जौनपुर का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है जिनकी होती है रबर सिंह की, अपने आप में हीरो रखते हैं, कबड्डी के महारथी कहे जाते हैं रबर सिंह। बहुत ही बढ़िया टैकल, बहुत ही बढ़िया टैकल। तो इस तरीके से दोनों टीमें चार जीरो, बहुत ही शानदार खेल का प्रदर्शन। ये जौनपुर की टीम, मैं बता दूं अभी हाल ही में रजत ने बहुत ही अच्छा खेल दिखाया ऐरावली के मैदान पर और अपनी टीम को विजेता दिलाई थी। इस तरीके से कॉर्नर पे जाकर के उन्होंने टच किया है। बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर सामने से आकर के अटैक किया, एक अंक और मिलता हुआ। बहुत जल्द ऑल आउट हो जाएगी अमिलो की टीम, जो कि संतोष एक पॉइंट और जौनपुर को मिलता हुआ। सात नंबर जर्सी के खिलाड़ी रेड करते हुए अमिलो के मैदान में, हालांकि अमिलो की टीम 5-6 साल पहले की बात मैं आपको बताऊं कि बहुत अच्छा कबड्डी खेलते थे अमिलो के प्लेयर, लेकिन इस वक्त काफी दिनों से वो कबड्डी में नहीं दिखे, प्रैक्टिस उतनी अच्छी नहीं है। और हमारे बीच लल्ला गुप्ता नूरपुर निवासी आ चुके हैं, कमेटी में उनका स्वागत है। लल्ला गुप्ता भले ही कबड्डी न खेल रहे हों लेकिन कबड्डी से उनको बहुत बड़ा लगाव है, चाहे कहीं भी मैच हो जौनपुर जिले में बनारस जिले में लल्ला गुप्ता वहां उपस्थित होते हैं, मैच की सौभाग्य बनाते हैं। और यहां पर सात नंबर जर्सी के खिलाड़ी इशारा कर रहे हैं, शायद पॉइंट मिल गया है। तो एक तरफा मुकाबला पहले से लग रहा है हो जाएगा, क्योंकि जौनपुर की टीम बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है और अमिलो के खिलाड़ी उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। बजरंग हॉस्पिटल की टीम और बजरंग हॉस्पिटल भदोही, जो कि फर्स्ट राउंड का लास्ट मैच होना है, दोनों टीमों के कैप्टन अपने पूरे प्लेयर के साथ गेट पर बिल्कुल तैयार रहेंगे, क्योंकि इस मुकाबले में एक तरफा मुकाबला हो रहा है और बहुत जल्द निर्णय आ सकता है। Thank you.
यहाँ कबड्डी का खेलना प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है। कभी कभी आप प्रैक्टिस नहीं करते मैदान में आ जाते हैं तो उसमें आपको चोट लगने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, क्योंकि कबड्डी खेलने से प्रैक्टिस करने से आप बिल्कुल मजबूत रहते हैं। और अगर 4-6 महीने नहीं खेले हो, साल भर नहीं खेले हो, तो मैदान में खेलने के लिए कम आए। आपका अंकल लास्ट रेड है और एक पॉइंट और, बहुत ही बढ़िया टैकल, पूरी तरीके से जौनपुर की टीम छा गई है और आप टाइम हो चुका है। 1:15 और यहां पर एक पॉइंट हासिल कर लिया, 2 पॉइंट हासिल किया है अमिलो के खिलाड़ी ने। ये अमिलो के संतोष जो कि अपने जमाने के बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, हालांकि उनकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन पिछले कई सालों से वो कबड्डी में नहीं दिखे, प्रैक्टिस नहीं है, अन्यथा वो बहुत अच्छे प्लेयर कबड्डी के रह चुके हैं। बहुत अच्छा प्रयास, लंबे कद के खिलाड़ी का, कम उम्र के खिलाड़ी है, कोशिश कर रहे हैं, हाथ पैर सब कुछ चलाया इन्होंने, लेकिन पॉइंट इनके हाथ नहीं लगा है। जौनपुर के मैदान में अमिलो के रेडर रेड करते हुए बहुत ही अच्छा प्रयास। नौ नंबर जर्सी के खिलाड़ी रेड करते हुए बगैर पॉइंट के वापस हुए। उदित नारायण, हालांकि वो उदित नारायण एक गायक हैं, उन्होंने काफी नाम कमाया है गायकी में और इन्होंने कबड्डी में जौनपुर जिले में काफी नाम कमाया है उदित नारायण ने, और संतोष ने इस बार कमाल किया, 2 पॉइंट। इसके बाद का लास्ट महामुकाबला फर्स्ट राउंड का, अंसारी जी बजरंग हॉस्पिटल शिवपुर रांची वर्सेस भदोही के बीच होगा। और गोलू जी से मैं संपर्क करना चाहूंगा कि मेरे पास मैच समाप्त होने के बाद आ जाएंगे, सेकेंड राउंड का मैच कैसे खिलाना है। बहुत ही शानदार तरीके से मैच चलता हुआ इस राजापुर वांखेड़े स्टेडियम 2000 दर्शक एंड द फर्स्ट राउंड एंड दिस 40 मैच बाई एंड द उदित नारायण यादव एंड भरत सिंह एंड शेखर ऑलराउंडर से टीम भरी हुई, मैं जौनपुर का बताया था।